स्वागत है बच्चों एसआर क्लासेस पे। आज हम लोग अब बर्तन के नियम के बारे में जानेंगे कि अब बर्तन के कितने नियम होते हैं और कौन कौन से होते हैं। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में तकरीबन हर बार पूछा जाता है, दो में से एक सवाल रहेगा, या तो वो परावर्तन का नियम पूछेगा या अपवर्तन का नियम पूछेगा, दो मार्क्स का रहता है और बहुत ही आसान होता है ये। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं अपवर्तन के नियम कितने होते हैं। तो बच्चों अपवर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है, जैसे परावर्तन के दो नियम होते थे उसी तरीके से अपवर्तन के भी दो ही नियम होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला नियम जो होता है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होता है, ठीक है। परावर्तन में क्या होता था कि ये तीनों एक ही तल में होते थे, और यहां पे क्या हो रहा है, एक ही समतल में होते हैं। ये समतल क्या है, है ना, ये बच्चों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मैं समझा देता हूँ। ये जो है ना, मतलब हमारा जो ब्रह्मांड है, दुनिया है, वो तीन प्लेन में है, ठीक है। तीन प्लेन कैसे होता है मैं बताता हूँ। ये देखिए, एक अक्ष ऐसे गया है यहाँ, ये बाएं से दाई दिशा में, ये वाला जो इस तरीके से जो प्लेन गया है ना, इसे बोलते हैं एक्स अक्ष, जिस पे हम लोग ग्राफ भी बनाते हैं। और एक अक्ष कहाँ गया है, ऊपर से नीचे, इस तरह, ये वाला है ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, एक अक्ष ऐसा है जिसे हम लोग बोलते हैं बाई अक्ष। और एक और अक्ष है बच्चों, वो कौन सा है जिसे हम लोग इस बोर्ड पर नहीं दिखा सकते, वो अक्ष होता है जो ऐसे यहाँ से इस कैमरे की तरफ जा रहा है वो, और अंदर, है ना, अंदर से बाहर, ये जो अक्ष है ना, इसे बोलते हैं तीसरा अक्ष, जिसे हम लोग जेड के द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है। ये तीन अक्ष होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपतित किरण है और ये आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब और ये अपवर्तित किरण, तीनों जो है वो किस में है, एक्स और वाई वाले प्लेन में ही है ना, है ना। ये देखिए, ये भी एक्स, मतलब सारे के सारे क्या हैं, एक्स वाई प्लेन में है। तो पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हाँ जेड डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों मिला के एक्स वाई प्लेन में ही है, ठीक है जी। तो ये हो गया। दूसरा जो नियम होता है कि किन्हीं दो माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, वर्ण का मतलब होता है कलर के लिए, जो आपतन कोण की जया होती है और अपवर्तन कोण की जया होती है, अगर हम उनका अनुपात निकालें तो वो एक फिक्स कांस्टेंट आता है, ठीक है, फिक्स मतलब नंबर आता है, जिसे हम लोग कहते हैं एक नियतांक कहते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि किन्हीं दो माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए साइन आपतन कोण की जया, साइन छोड़ दीजिए, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एक नियतांक। एक नियतांक क्या होता है, ये एक फिक्स कांस्टेंट नंबर है, इसीलिए इसको बोल दिया गया है कि ये क्या है, एक नियतांक आता है। और इसी नियम को स्नेल नियम भी कहा जाता है, कुछ लोग इसे स्नेल नियम कहते हैं, कुछ लोग स्नेल नियम कहते हैं, आपको जो समझ में आया वो कहिएगा, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है स्नेल का नियम क्या है, तो आप ये बता दोगे कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एक नियतांक को ही क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपवर्तन का नियम किसे कहते हैं, क्या होता है। अब इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट होता है ये स्नेल नियम का, आइए हम लोग वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो रिजल्ट होता है वो हमें न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा। वो रिजल्ट क्या होता है कि जब भी हम साइन आई और साइन आर का अनुपात निकालते हैं, मतलब दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, तो जो आता है, जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, अपेक्षिक अपवर्तनांक होता है इन दो माध्यमों का, ठीक है। मतलब दूसरे माध्यम का हम लोग जब निकालेंगे, अपेक्षिक अपवर्तनांक निकालेंगे पहले माध्यम की तुलना में, मैंने इसका एक वीडियो बना रखा है, अगर आपको इससे समझना है तो वीडियो वो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा और आई बटन पे भी इसे दे दूंगा, ठीक है। ये तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एन टू बाई एन वन, ठीक है। और अगर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन साइन आई, सॉरी, तो एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसी को कहते हैं स्नेल के नियम का सममित रूप कहते हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म्स ऑफ स्नेल्स लॉ, ठीक है, इसे ये कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में हो सकता है पूछ ले एक आठ नंबर का कि सिमेट्रिकल फॉर्म्स ऑफ स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो आप लोग बता सको, है ना, ये इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो आप लोग टिक मार सको उस पर। तो ये था अपवर्तन के नियम, उससे जुड़ा हुआ एक रिजल्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, बने रहें एसआर क्लास के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।